वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रेस पीच का युद्ध 326 ईपू में लड़ा गया था, हाइड्रेस पीच कौन सी नदी थी? तो इसका सही जवाब होगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाहन के भारत आने का क्या उद्देश्य था? इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, वो कहाँ के राजा थे? तो इसका सही जवाब है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? तो सही जवाब होगा ईंट के।